अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। आप सबकी इंतज़ार की घड़ियाँ हुई अब ख़त्म, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आप अपना हाउस टूर कब कराएंगी, तो मैंने सोचा कि आप सबकी फरमाइश को पूरा किया जाए। तो आप सबको पता तो है कि मैं अपनी मामा की तरफ हूँ, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं है। 2 मंथ्स के लिए मैं मामा की तरफ हूँ, पर मैंने आप लोगों के लिए हाउस टूर का व्लॉग पहले ही बना लिया था। यह है मेरे घर का टेरेस, इसको अक्सर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। यहाँ पे बच्चों की गाड़ियाँ शाड़ियाँ और स्लाइड्स रखी हुई हैं दरपाश की। हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, तो स्टार्ट में मैंने आपको स्टेयर्स और जो भी चीज़ें हैं स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाई है। और ये हमारी हाउस की एंट्रेंस है, एक तो नीचे वाला डोर है और ये डोर ओपन होता है हमारे टीवी लाउंज में। इस एरिया को भी आपने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में देखा होगा, इससे सब आप फेमिलियर होंगे, इन सोफ़ों से भी, दरपाश से भी। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में इतनी लाइट्स है ना, कि मैं अक्सर कहती हूँ कि इतने लोगों की शादियों में ना मार्की पर लाइट्स होती रहती है, हमारे घर में लाइट्स है। बट मसला एक ये है कि इसमें वाइट लाइट्स कम है और वार्म लाइट्स ज़्यादा हैं, मतलब मोस्टली वार्म लाइट्स हैं, वाइट लाइट्स बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। ये जो लाउंज का सोफ़ा है ये पुराना सोफ़ा है, बट लास्ट ईयर इसको हमने कुशनिंग कराई है और इसका कपड़ा भी चेंज किया। मेरा तो दिल था सोफ़ा न्यू ले आए, बट ये कि फिर सब ने कहा कि पुराना सोफ़ा अच्छा होता है, तो न्यू की वो बात नहीं होती जो पहले वालों की बात होती है, इसलिए फिर बस हमने इसी को कवर वगैरह चढ़ा के तो यहाँ कर दिया। बच्चों वाले घर में आपको बच्चों की बहुत सी चीज़ें सामने मिलेंगे, जैसे उनके टॉयज़ होंगे। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं बातें कम करूँगी, बट फिर जब बोलने पे आती हूँ तो समझ ही नहीं आता और फिर ज़्यादा सारी बातें करना स्टार्ट कर देती हूँ। ये हमारी छोटी सी गैलरी टाइप है, तो यहाँ पर फ्रिज, डिस्पेंसर और इनकी जो पीड़े हैं ये मुझे बहुत पसंद है। और आपको मैं रूफ़ भी साथ साथ दिखाती हूँ, बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ छत को। अब मैं बस आप लोगों को रूम का बता देती हूँ कि किसका कौन सा रूम है, ठीक है? उसके बाद आप लोग खुद देखें, एंजॉय करें, बातें मैं कम करूँगी, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट जो आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ वो है हमारा ड्राइंग रूम, जो कि कभी कभार यूज़ होता है, इसलिए इसको कुंडी लगी हुई है। सिर्फ तभी यूज़ होता है जब कोई गेस्ट आते हैं, और इसको लॉक इसलिए लगा के रखा जाता है क्योंकि बच्चे ना अंदर आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि ड्राइंग रूम में काफ़ी एक्सपेंसिव डेकोरेशन पीसेज रखे होते हैं। हमने पहले लॉन्च में भी रखे होते थे दरपाश के पैदा होने से पहले, बट जैसे कि वो बड़ी होगी और टेबल रनर भी होता था, सब कुछ होता था, पर जैसे जैसे वो बड़ी हो गई तो फिर हमने सब कुछ उठा दिया, क्योंकि बच्चे ना उसी को पकड़ के खींचते हैं और सारा कुछ आके नीचे लगता है। ये जो सोफ़ा सेट है ये मेरी शादी का सोफ़ा है और इससे मुझे बहुत ही मोहब्बत है। पहले जब हम जब छोटे होते थे तो मामा को अपनी जैसे मोहब्बत होती थी, तो ये बात समझ नहीं आती थी ना कि ऐसा क्यों है। पर जब अपनी शादी होती है और आपके पेरेंट्स में से भी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दें कोई ना हो एक कोई भी, तो फिर उनकी दी हुई चीज़ों की कुछ वैल्यू जो होती है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं तो अपनी चीज़ों को बहुत ही संभाल के रखती हूँ। मेरी क्रॉकरी होगी, मेरी क्रॉकरी तो खैर ज़्यादा यूज़ नहीं अभी हुई, बट ये जो सोफ़े हो गए, मेरा बेड हो गया, इनको मैं बहुत ही एहतियात से रखती हूँ, बहुत ख्याल करती हूँ इनका, मुझे बहुत मोहब्बत है अपनी जहेज़ से। ये जो रेड लैम्प से भी पहले आपको दो नज़र आए, एक राउंड और एक लंबा वाला, ये हमने मुल्तान से लिए थे और ये कैमल स्किन के बने हुए हैं। जो बहुत से लोग जो मुल्तान में रहते हैं उनको पता होगा इन स्किन के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे घर के छोटे रूम में, जो कि ड्राइंग रूम के साथ है, और लाइट्स मैंने साथ साथ सारी ऑफ कर दी थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बिजली के बिल कितने ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम लोग सारी लाइट्स ही ऑन करके रखते हैं, थोड़ी बहुत ही ऑन करते हैं। ये वाला रूम जो मेरे ब्रदर इन लॉ का रूम है, और वो लोग यहाँ पे होते नहीं हैं बेसिकली, वो बाहर होते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पे आना जाना पाकिस्तान में इतना आसज नहीं होता। और जब कभी वो आए भी तो हम लोग उस टाइम समर्स में वो लोग आते, तो हम लोग उस टाइम इधर नहीं होते, हम लोग मरी होते, तो इसलिए फिर उनका एक ये रूम नहीं यूज़ होता। ये रूम फिर हम लोगों ने गेस्ट रूम बनाया हुआ है, जब कभी कोई गेस्ट आता है या आपा आती है रहने के लिए, तो फिर आपा इसी रूम में स्टे करती हैं।
यहाँ पे सरपाश का स्टडी टेबल है और इसके ये टॉयज़ हैं जो कि उसके मामू ने उसको लेके दिए थे। यूज़ तो करती नहीं है, बस ऐसे ही यहाँ पे रखे हुए होते हैं बेचारे हर टाइम। नेक्स्ट जो रूम मैं आपको दिखाने लगूँ वो है मेरा रूम, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। माशाल्लाह ये मास्टर बेडरूम है, साथ वाला बलूम का भी मास्टर बेडरूम है और ये वाला भी मास्टर बेडरूम है। सामने आपको पेंट उतरा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो ये मेरी बेटी जो है लास्ट ईयर जरपाश मैडम ने ये पेंट उतारा था। थोड़ी सी यहाँ पे सीपेज थी तो जरपाश ने वो पेंट उखड़ रहा था, तो जरपाश उस टाइम 2 साल की थी और उसने फिर बैठ के ना वो जब फ्री होती तो आके बैठती और यहाँ से ना पेंट उतार दी थी। तो फिर हमने उसके बाद वापस पेंट नहीं करा सके क्योंकि बाकी सारे घर का तो पेंट साफ ही है, बट ये वाला जो एरिया है ना मेरे रूम का ये ख़राब है। मेरे रूम के बैक साइड पे एक छोटी सी गैलरी है जहाँ पे कपड़े डालने की थोड़ी सी जगह है, तो अक्सर बच्चों के कपड़े मैं यहीं पे सूखने के लिए डाल देती हूँ। अब जो लास्ट रूम में आप लोगों को दिखाने के लिए जा रही हूँ वो है अब्बू लोगों का रूम, ये भी मास्टर बेडरूम है। ये था मेरा होम टूर, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। दिल देने अल्लाह हाफिज़।